नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको चेहरे को प्राकृतिक रूप से गुलाबी करने के लिए घरेलू आयुर्वेदिक उपचार बताए थे, यानी औषधियाँ बताई थी जो आपको खाने में प्रयोग करनी थी। आज मैं आपको चेहरे पर कुछ लेप लगाने के तरीके बताऊंगी, चेहरे की सफाई करने के तरीके बताऊंगी, जिसके प्रयोग से आपका चेहरा अति सुंदर हो जाएगा। आपके चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे कील मुहासे झुर्रियाँ झाइयाँ सब समाप्त हो जाएंगी। इस प्रयोग को एक दिन करने से ही आप अपने चेहरे की त्वचा में खुद अंतर पाएंगे। अगर आप इस प्रयोग को 7 दिन कर लेते हैं तो आपके चेहरे की त्वचा जैसी बचपन में थी ऐसी त्वचा हो जाएगी, मुलायम सॉफ्ट बिल्कुल कांतिमय ऐसी त्वचा आपकी हो जाएगी। अगर इसको 2 महीना कर लेते हैं तो आपके बराबर में कितना भी कोई मेकअप करके खड़ा है तो आप उससे भी सुंदर लगेंगे। आपके चेहरे में अधिक ग्लो होगी, अधिक चमक होगी, अधिक आभा होगी और किसी भी तरह का कालापन डोट रूखापन तेलीय त्वचा कील मुहासे झुर्रियाँ झाइयाँ सब समाप्त हो जाएंगी और आपका चेहरा एकदम से आभा युक्त हो जाएगा। इसमें आपको 4 कार्य करने हुआ करेंगे। पहला काम है सुबह का लेप। सुबह का लेप कैसे तैयार करना मैं आपको बता देती हूँ। 2 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी का चूर्ण ले लें और उसमें 1 चम्मच बेसन ले लें, 1 चम्मच दही ले लें, 2-4 बूंदे उसमें नींबू के रस की डाल लें और कुछ उसमें गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर लगाने के बाद 2 मिनट तक हल्के हाथ से इसकी मसाज करें और 20 मिनट तक इस लेप को लगाए रहने दें। 20 मिनट के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। धोने के बाद अपने चेहरे को बर्फ के टुकड़े से थोड़ा ठंडक दे लें, यानी बर्फ का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे पर घुमाएं, जिससे आपके चेहरे के खुले हुए रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। चेहरे पर ठंडक करने के बाद अपने चेहरे को तौले से पोंछ लो, सुखा लें। सूखने के बाद एलोवेरा रस लगा लें, यानी एलोवेरा जल लगा लें, ग्वार पाठे का रस लगा लें। लगाने के बाद आप फिट हैं, किसी भी समय अपने काम पर जा सकते हैं शाम तक। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जो आपको शाम को करना है। शाम को आपको 1 चम्मच बेसन लेना है और उसमें दही मिलाकर पेस्ट बनानी है। आवश्यकता अनुसार दही मिला लें, जैसे अच्छे से पेस्ट बन जाए। और उस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा करके हल्के हाथ से स्क्रब करना है, यानी आपको मसाज करनी है। इससे क्या होगा, जैसे दिन भर की धूल मिट्टी है वो आपके रोम छिद्रों में चली गई है वो निकल जाएगी और अपने चेहरे पर जो मर्त त्वचा है वो इस मसाज से उतर जाएगी। 2 मिनट तक मसाज करने के बाद अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो डालें। धोने के बाद फिर वही प्रक्रिया, आप बर्फ ले लें, बर्फ का टुकड़ा घुमाएं। इससे क्या होगा, अपने चेहरे के खुले हुए रोम छिद्र बंद हो जाएंगे और फिर साफ तौली से अपने चेहरे को पोंछ लें। अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो एलोवेरा रस लगा सकते हैं, अगर नहीं जाना है, अगर नहीं चाहते हैं तो ना भी लगाएं रात के समय, चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी है अपने चेहरे की त्वचा को पोषण देना। उस पोषण से आपकी त्वचा बच्चे जैसी कोमल मुलायम सॉफ्ट और कांतिमय हो जाएगी। तो इसके लिए मैं 5 अलग अलग चीज़ें बताऊंगी जो आपको रोजाना रात को प्रयोग करनी है। रात को क्या करना है, आप कच्चा दूध ले लें, कच्चे दूध से अपने चेहरे की सफाई कीजिए। सफाई करने के बाद मलाई लीजिए, पहले दिन मलाई लीजिए और मलाई से अपने चेहरे पर मसाज कीजिए 2 मिनट तक। 2 मिनट तक मसाज करके सो जाएं और सुबह उठकर हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। और अगले दिन हमने प्रयोग करना है बादाम का तेल। इसी तरह से अपने चेहरे को रात को सोते समय कच्चे दूध से पहले साफ कर लें, फिर थोड़ा सा बादाम का तेल अपने हथेलियों पर रख के बहुत हल्के हाथ से अपने चेहरे की मालिश करें। 2 मिनट तक मालिश करने के बाद अपने चेहरे को धोएं नहीं, इसको सुबह उठकर धोएं। तो 2 चीज़ होगी। तीसरे दिन हो गया जैतून का तेल। आप जैतून का तेल ले लें, हल्के हाथ से उसकी भी इसी तरह से मालिश कीजिए और रात भर लगा रहने दीजिए, सुबह उठ करके उसको धो लीजिए। चौथी चीज़ है गाय का दूध, गाय का घी। गाय का घी सबसे दुनिया की सर्वोत्तम मॉइस्चराइजर, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर की कहीं भी अगर हम अपनी त्वचा पर उसको प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल चेहरे जैसी त्वचा को बना देता है। और चेहरे पर प्रयोग करते हैं तो जैसे बचपन में हमारा चेहरा था बिल्कुल ऐसी हमारी त्वचा मुलायम कांतिमय और सॉफ्ट हो जाती है। तो ये आपको प्रयोग करनी है। और 5वें दिन नारियल का तेल लगाकर मसाज करनी है 2 मिनट तक और रात भर लगे रहने दीजिए, सुबह उठकर अपने चेहरे को धो लीजिए। इस तरह से आपको ये 5 कार्य करने होंगे। अगर आप इस तरह से 5 कार्य करते हैं
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले ही दिन से आपको बहुत असर दिखाई देगा और 7 दिन में आपको अपनी त्वचा बिल्कुल कोमल मुलायम बच्चे जैसी खुद महसूस हो जाएगी। अगर आप 2 महीना इस कार्य को कर लेते हैं तो चाहे कोई भी कितना भी सुंदर मेकअप करके आपके पास खड़ा है, आप उसे बेहतर लगेंगे, सुंदर लगेंगे। कभी आपने देखा होगा जिसके चेहरे पर अधिक ग्लो होता है, गोरा होता है, चमक होती है, लाली होती है, वो बच्चे बिना मेकअप करे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं।